विनोद कुमार महोदय है, मैं गणेशपुर का निवासी हूँ। मेरा दो नंबर बना है, दोनों नंबर एक निजी बंदे में बना है, जो कि मेरे नंबर में वो डेढ़ बीघा नंबर में आ रहा है, जबकि वहाँ दो बीघा सात बीघा का नंबर बना हुआ है। और एक नंबर जो जल खाता में पूरा 10 फीट पानी लगता है, उसमें मेरा नंबर बना दिए हैं, उसको हम चाहते हैं कि उसको खारिज करके हमको अच्छी जगह बैठाएं। और राकेश कुमार है, मैं गणेशपुर का निवासी हूँ। मामला ये है कि जो हमारे कागज़ में चेक करने के बाद भी नंबर में ज़मीन जितना है उतना नहीं मिल रहा है, और रह गई बात जो ज़मीन है नंबर में, उसमें भी कहीं मतलब उठा के मतलब ये अम्बेडकर पार्क बन गया है, और उसका मालकियत भी ज़्यादा लगा है, कम भी हो जा रहा है। क्या चाहते हैं? हमारा ज़मीन में जो कागज़ में ज़मीन है मतलब जितना है उतना तो मिलना चाहिए, फिर भी उसमें भी कम हो रहा है। चलता है, क्या मामला है? मेरा नाम प्रभाकर सिंह है, ग्राम गणेशपुर। मेरा जहाँ पे बोरिंग और जोत है, घर बना है, वहाँ पे मेरा नंबर क्यों साबिसा दिया गया है, जिसका नहीं है वहाँ पे कुछ भी जोत, उसको ज़्यादा रकबा दी गई है, जो कि उसमें हम लोग का करीब 2 बीघे रकबा बनता है, लेकिन उसमें से केवल 7 बीघे हम लोगों को मिला है। बताइए क्या मामला है? मैं गौतम सिंह, ग्राम गणेशपुर का निवासी हूँ। मेरे गांव जो है कि मेरा गांव लगा हुआ है चकबंदी में, और यहां पे मामला ये है कि बिना पैमाइश किए जो है कि मालियत लगा दिया गया गलत तरीके से, जहां की मालियत कुछ होनी चाहिए वहां पे कुछ और लगा दिया गया है। और इसमें जो है कि चेक परिवर्तन को लेकर के हम लोग अप्लीकेशन दिए CEO साहब को, और वहाँ पर कागज़ की कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, कागज़ की सुनवाई किए बगैर यहाँ पर आके पैमाइश हो रही है, चेक नापी जा रही है, और उसके बाद जो है कि मालियत जैसे हमारा पेड़ कहीं और है, मकान कहीं और है, और मुझे चेक कहीं और उड़ा कर दे दिया गया है। यह सब मामला है, और पैसे की डिमांड हो रही है कि आप पैसे दीजिए, तभी आपका हम चेक जो है कि आपकी जगह बैठाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं बैठाएंगे। यही सब समस्या है, इसी समस्या को लेकर हम लोग जो है चकबंदी को रुकवाने के लिए कई जगह जो कि अप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। और हम लोग जो है कि यहाँ पे किसान हैं, और बहुत बड़े किसान नहीं हैं, छोटे छोटे किसान हैं, और यहाँ पे समय आ गया है जो है कि फसल लगाने का, फसल लगाने के समय पे जो है कि लोग आकर के नापी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है कि नापी कर रहे हैं, मना करने के बाद जो है कि धमकी दिया जा रहा है, प्रशासन का धमकी दिया जा रहा है, और इसमें अधिकारियों द्वारा जो है कि गाँव को लड़ाया जा रहा है, नापी करके चले जाएंगे प्रशासन के द्वारा जो है, बाद में जो एक विवाद होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगी? इसमें तो जनता ही पीसा जाएगा, जनता का ही नुकसान होगा। ये क्या मामला है? महोदय, ग्राम गणेशपुर, क्या मामला है? मेरा मामला है कि सर मेरा घर जो है कि 4 जाने के हिस्से में 10 बीघा का है, जिसमें नाप करके 6.5 बीघा कह रहे हैं कि 10 बीघा हो गया है, पनारा दूसरे के खेत में बह रहा है, और जो मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि कुछ मनी दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। कौन काट?